अगर आप लगातार एसी को यूज करते हो और अगर आप एक नया एसी को खरीदने वाले हो तो ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस मोड जिसके साथ आप जो है एसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हो। एसी को यूज करने के दौरान अगर आप ये सभी मोड को यूज करोगे तो आपको जो है बेटर एनर्जी एफिशिएंसी एंड कम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक एंड शेयर कर सकते हो अगर पसंद आए तो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। बाय द वे बेस बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो बेस्ट मोड है एसी के साथ ये कुछ कुछ चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि रूम साइज क्या है, क्लाइमेट कैसा है, प्लस कंफर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेनली अगर आपका जो मेन पर्पस है अगर एनर्जी को सेव करना, कम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, तो आप जो है दो मोड को यूज कर सकते हो जो कि काफी सही है। नंबर वन है इको मोड। तो इको मोड का जो मेन काम है जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे सेव करना है, प्लस आपको यहाँ पर एक कंफर्टेबल लेवल कूलिंग भी देखने को मिलेगा जिसमें जो फैन स्पीड है एंड जो कंप्रेसर है अपने आप से जो है टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है। तो इको मोड में जो टेम्परेचर है और जो फैन स्पीड है और जो कंप्रेसर है उसे आप जो है सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसे एडजस्ट भी नहीं कर सकते। अपने आप से रूम टेम्परेचर, अपने आप से ह्यूमिडिटी लेवल, अपने आप से फैन स्पीड, अपने आप से कंप्रेसर का जो स्पीड है उसे एडजस्ट करके आपको एक कंफर्टेबल लेवल कूलिंग एंड एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलेगा जिसके साथ आपको जो है कम इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना होगा। तो इको मोड की यूज कर सकते हो, काफी सही रहते हैं, काफी जो पावर कंजम्पशन है उसे काफी हद तक रिड्यूस कर देता है जिसके साथ जो है फास्टर कूलिंग प्लस बढ़िया जो है इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होता है। तो इको मोड की यूज कर सकते हो जो कि काफी सही है इंडोर में, इंडोर यूनिट के साथ यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है एंड बढ़िया आपको कंफर्ट देखने को मिलेगा जो कि काफी सही है। एंड इको मोड को अगर आप यूज करोगे जो कंप्रेसर है उसका भी जो है यहाँ पर लॉन्गजिविटी जो है पर बढ़ जाता है। कंप्रेसर क्योंकि यहाँ पर फुल कैपेसिटी में काम नहीं करता है इसलिए जो है कंप्रेसर के साथ कोई भी फेल्यूअर और कंप्रेसर के साथ कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। तो इको मोड के साथ जो कंप्रेसर है उसके साथ भी ज़्यादा लॉन्गजिविटी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी सही है। एंड जैसे आपको बताया है इको मोड के साथ आप जो है कंप्रेसर स्पीड को और फैन स्पीड को जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है, आप जो है मैनुअली उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको बढ़िया कूलिंग चाहिए, कम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है एंड यहाँ पर कंप्रेसर को भी ज़्यादा लोड नहीं देना है तो आप जो है इको मोड की यूज़ कर सकते हो। अभी जितने भी नया एसी है 2022 मॉडल, 2023 मॉडल, 2024 मॉडल, सभी में जो है इको मोड देखने को मिल जाएगा। स्पेशली रात के टाइम आप जो है इको मोड यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी सही है। इवन स्लीप मोड भी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो इको मोड की यूज़ करो, आपको बेटर एफिशिएंसी के साथ लोअर इलेक्ट्रिसिटी बिल देखने को मिलेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी भी सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जो मोड है इसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है काफ़ी कम हो जाएगा, इसका नाम है फैन मोड। तो फैन मोड में जो एसी है ना कूलिंग करेगा ना हीटिंग करेगा, इसमें सिर्फ जो एसी का जो फैन है काम करता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं करता है, प्लस जो ह्यूमिडिटी है उसे भी वो एडजस्ट नहीं करता है। बेसिकली फैन मोड के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पर काफ़ी कम लो इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर कंज्यूम होता है एज कम्पेयर टू अदर जितने भी मोड अवेलेबल है। एंड फैन मोड के साथ जो एयर फ्लो है आपको बढ़िया देखने को मिलेगा एंड रूम में जो है बढ़िया आपको यहाँ पर एयर फ्लो देखने को मिल जाएगा। प्लस फैन मोड का सबसे बढ़िया बात है आप जो है मैनुअली फैन स्पीड को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर क्वाइट मोड, लो मोड, यहाँ पर मीडियम, हाई, अपने आप से जो है फैन स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड जैसे आपको बताया है फैन मोड के साथ आपको कोई भी कूलिंग देखने को नहीं मिलता है, जो एग्जिस्टिंग एयर है वही यहाँ पर सर्कुलेट होता है, इसके अलावा आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। प्लस नेक्स्ट जो टिप्स में आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे, सबसे पहले जो वेंटिलेशन है उसके ऊपर ध्यान देना होगा।
जब भी आप एसी को यूज़ करते हो तो आपको प्रॉपर जो है कुछ टिप्स को ध्यान देना होगा। सबसे पहले जो विंडो है उसे क्लोज करना होगा, डोर को क्लोज करना होगा, प्लस आपको यहाँ पर कर्टन्स यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप कर्टन्स यूज़ करते हो एसी को यूज़ करने के दौरान, तो जो आपको बेटर कूलिंग देखने को मिल सकता है, एंड जो कंप्रेसर है वो लगातार काम नहीं करेगा, क्योंकि जो यहाँ पर एयर है यहाँ पर बाहर नहीं जा रहा है और अंदर भी नहीं आ पा रहा है। तो डेफिनेटली एसी को यूज़ करने के दौरान बेसिकली जो डोर विंडो उसे जो है यहाँ पर क्लोज करना होगा, एंड कर्टन्स यूज़ करना चाहिए। इससे जो है कूल एयर बाहर नहीं जाएगा एंड वार्म एयर अंदर नहीं आएगा। प्लस एसी को आपको जो है राइट टेम्परेचर में यूज़ करना चाहिए। अगर जो है आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है वो है 24। अगर आप 24 डिग्री सेल्सियस के साथ एसी को यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा जो है बेहतर कूलिंग प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर को जो है पर इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर 60% इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर सेव होता है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, पहले अगर आप जल्दी से कूलिंग करना चाहते हो तो 24 डिग्री सेल्सियस यूज़ करो, उसके बाद टेम्परेचर को जो है 26-27 तक जो है सेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप सही टेम्परेचर के साथ एसी को यूज़ करोगे तो आपको बेटर कूलिंग एंड कम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। नेक्स्ट जो मोड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है स्लीप मोड। तो यहाँ पर जो स्लीप मोड है ये भी काफ़ी हद तक यूजफुल है। अगर रात के टाइम आपको कंफर्टेबल स्लीप चाहिए लो नॉइस के साथ, आप जो आप सिंपली स्लीप मोड की यूज़ कर सकते हो। स्लीप मोड में क्या होगा, जो फैन स्पीड है, जो कंप्रेसर है, अपने आप ही जो है एडजस्ट हो सकता है, आपको ज़्यादा जो है नॉइज़ देखने को नहीं मिलेगा। एंड पीसफुल स्लीप के लिए आप जो है स्लीप मोड को ऑन कर सकते हो, इसमें पावर कंजम्पशन भी कम हो जाता है। एंड यहाँ पर एक बात है, अगर आप एसी को यूज़ करते हो तो आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो आपको दिक्कत देखने को मिल सकता है। स्पेशली जो एयर फिल्टर है उसे जो है हर 2 वीक के बाद रिप्लेस करना ज़रूरी है, एंड कोशिश करना हर ईयर एटलीस्ट जो टेक्नीशियन है विजिट कर पाए, एंड अगर कोई भी इशू आता है तो आपको पहले ही मालूम चल जाएगा। तो रेगुलर मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़रूरी है। जो आउटडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट है, उसे क्लीन करना काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। नाउ अदर कूलिंग मेथड की अगर बात करें तो सिंपली आप जो है जो सीलिंग फैन है उसे भी यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पर अगर डायरेक्ट सनलाइट आता है तो उसे भी आप जो है ब्लॉक कर सकते हो, जिसके साथ आपको जो है बेटर कूलिंग देखने को मिलेगा। एंड जितने भी नया एसी है उसमें जो है पर पावर सेविंग मोड देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सही है। पावर सेविंग मोड के साथ जो एनर्जी कंजम्पशन है यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, प्लस फैन स्पीड भी काफ़ी सही रहता है, आपको कम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। तो अगर आपके एसी में जो है एनर्जी सेविंग मोड देखने को मिलेगा तो उसे यूज़ करो। काफ़ी हद तक इको मोड एंड एनर्जी सेविंग मोड जो है काफ़ी हद तक सेम है। प्लस कुछ एसी में जो है पर ड्राई मोड देखने को मिलेगा, जिसमें जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसे आप जो है रिड्यूस कर सकते हो। स्पेशली बारिश के टाइम जो है ह्यूमिडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो अगर आप ड्राई मोड की यूज़ करोगे तो ह्यूमिडिटी जो है पर कम हो जाएगा, एंड आपको काफ़ी बढ़िया जो है कम्फर्ट देखने को मिल जाएगा। ह्यूमिडिटी जो है यहाँ पर रूम से बाहर जाने के बाद, तो डेफिनेटली अगर आप इको मोड की यूज़ करोगे और यहाँ पर जो फैन मोड है और ड्राई मोड है काफ़ी सही है। तो बेसिकली यहाँ पर आप सिंपली जो इको मोड यूज़ कर सकते हो, एंड रात के टाइम जो है टाइमर के साथ जो है एसी की यूज़ करना, तो यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम के बाद एसी बंद हो जाएगा, एंड आपको जो है बढ़िया एनर्जी जो है बट सेव होगा। तो ये सभी टिप्स को आप ध्यान में रखना होगा, एंड वीडियो कैसे लगा जरूर से कमेंट करके बताना, एंड वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।